आज डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन के सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है उसका सबसे नीचे होता है बेस। ये होता है बेस, ये बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का। ये ग्रे कास्ट आयरन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसको पूरे जो मिलिंग मशीन है उसके पार्ट्स हैं उसको सपोर्ट करना होता है और सारी जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करनी होती है। तो जो ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और उसका जो वियर रेजिस्टेंस है वो भी अच्छा है, तो इसीलिए हम ये बेस ग्रे कास्ट आयरन का बनाते हैं कास्टिंग के थ्रू। कास्टिंग प्रोसेस के दौरान इसको बनाया जाता है। इसके एक साइड में हमारे पास होता है कॉलम। ये जो कॉलम होता है ये होलो होता है और इस कॉलम के अंदर हमारा सारा गियर अरेंजमेंट, पुलीज, जो भी हमारा जो ड्राइवन चीजें हैं मींस गियर, पुलीज, मोटर, सब इस कॉलम के अंदर कवर होती है। इस कॉलम के अंदर होती हैं वो और हमें मोशन प्रोवाइड करती हैं, तो ये कवर किया होता है। इस कॉलम के ऊपर होती है एक आवर आर्म, ये भी हमारी ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है और ये आवर आर्म होती है एक तरफ कॉलम से जुड़ी होती है और ये दूसरी तरफ हमारा इस कॉर्नर पे आर्बर सपोर्ट होती है। ये हम बात करेंगे कि ये क्या होती है। और एक योक होती है और ये अटैच होती है इस आर्बर से। ये आर्बर है मीन्स जो ये आवर आर्म है और ये आर्बर सपोर्ट है या योक है और आर्बर, आप कुछ भी इसमें से एक भी ले सकते हैं। कई मशीन के अंदर ये सिर्फ आर्बर सपोर्ट होती है जो इस आर्बर को योक की जगह सपोर्ट करती है। कुछ के अंदर ये दो होती हैं। ये जो योक होती है ये मूव कर सकती है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो योक या आर्बर सपोर्ट एक ही काम करती है इस आर्बर को सपोर्ट करने का। इनके अंदर बियरिंग लगे होते हैं जो इस आर्बर की रोटेशन को सपोर्ट करते हैं जब कटिंग प्रोसेस होती है, तो इन दोनों का काम एक ही होता है। इसको भी हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, योक को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे होता है स्पिंडल नोज। स्पिंडल नोज मीन्स जो अंदर हमारा मोशन मैकेनिज्म लगा हुआ है वो शाफ्ट है, अंदर से ये होलो होता है। इस होलो स्पिंडल के अंदर हम अपनी इस आर्बर को फिट करते हैं। ये जो रोटेटिंग मोशन है फिर आर्बर को मिलता है और आर्बर के ऊपर होता है हमारा कटर। ये आर्बर इस रोटेटिंग मोशन को इस कटर को देती है जिसे कटर हमारा रोटेट करता है और मटेरियल को रिमूव करता है। तो जो आर्बर है इसको हम स्पिंडल नहीं बोलते। ये एक मेन डिफरेंस होता है स्पिंडल और आर्बर के अंदर। स्पिंडल होता है रोटेटिंग पार्ट जो मेन ड्राइवन मेंबर से अटैच है, मेन ड्राइविंग शाफ्ट है। आर्बर होती है हमारी एक्सटेंशन जो हमारा स्पिंडल नोज के अंदर अटैच होती है। जो आर्बर होती है हम उसको चूज करते हैं जो ये हमारा कटर होता है इसके इंटरनल डाया के अकॉर्डिंग। इस आर्बर के साइज को हम कम ज्यादा ले सकते हैं जिस तरह का कटर का इंटरनल जो डायमीटर होता है, ताकि जो कटर है इस आर्बर के अंदर प्रॉपरली फिट हो सके। तो आर्बर एक तरह की एक्सटेंशन है जो स्पिंडल के अंदर फिट होती है और इसके रोटेटिंग मोशन को आगे रोटेट करके कटर को देती है। यह है कटर। यहां पे कॉलम के साथ ही डवटेल जैसी गाइडवेज लगी होती है। ये गाइड करती है हमारा जो टेबल होता है, नी होती है, उन सबको वर्टिकल डायरेक्शन में गाइड करती है। ये हमारा थ्रेडेड स्क्रू होता है, स्क्रू जैक भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारा एक हैंडल से मूव करता है। इसके ऊपर लगी होती है हमारी नी। इस नी नी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घुटने के आकार की होती है, तो इसलिए हम इसको नी बोलते हैं। ये हमारी इस स्क्रू जैक के ऊपर फिट होती है। ये हमारा हैंडल होता है
जब हम इसको रोटेट करते हैं तो नी स्क्रू जैक की हेल्प से ऊपर और नीचे की तरफ जा सकती है। यह है वर्टिकल ट्रैवर्स हैंडल, जो इसको वर्टिकली अप और डाउन मोशन प्रोवाइड करेगा इस थ्रेडेड जो जैक है हमारा, स्क्रू जैक है, इसकी हेल्प से। इसके ऊपर होता है सैडल। सैडल हमारा लेफ्ट और राइट की तरफ जा सकता है। जैसे नी हमारी अप और डाउन मोशन में जा सकती है, तो सैडल हमारा लेफ्ट और राइट मोशन प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और इसके ऊपर होती है टेबल। टेबल के अंदर कुछ स्लॉट होते हैं जो सैडल के ऊपर फिक्स होती है। ये टेबल हमारी, इसके ऊपर भी एक व्हील लगा होता है जो टेबल को मूवमेंट देता है क्रॉस मींस आगे और पीछे की तरफ। ये तो ऊपर नीचे है, ये लेफ्ट राइट है, और टेबल हमारी आगे और पीछे जा सकती है। इस कटर के क्रॉस जा सकती है, उस साइड और इस साइड आ सकती है। इस टेबल के ऊपर जो स्लॉट कटे होते हैं उनके अंदर हम अपने वाइस को फिट कर सकते हैं। ये मशीन वाइस होता है और इसका हैंडल है जिससे ये टाइट और लूज होता है। तो टेबल हमारी आगे और पीछे की तरफ जा सकती है। इस वाइस के अंदर हमारा वर्क पीस फिट होता है, हम उसको टाइट कर लेते हैं और उसके बाद जो कटर है हमारा रोटेट करता है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसे कोई भी मोशन देने के बाद, एक पोजीशन सेट करने के बाद इस वर्क से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो मोशन है वो किस तरह से काम करता है सभी पार्ट्स का। जब हम इसको रोटेट करते हैं वर्टिकल ट्रैवर्स व्हील को, तो ये जो स्क्रू है ये मूव करता है ऊपर या नीचे की तरफ इसके अंदर। तो जो हमारा नी है, नी के ऊपर हमारा सैडल है, टेबल है, वर्क है, मशीन वाइस है, तो ये भी हमारा ऊपर और नीचे की तरफ हम किसी भी तरह से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये तो है हमारी नी की जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे, ये हमने समझ ली। अब देखते हैं कि सैडल कैसे वर्क करता है। जो हमारा सैडल है वो लेफ्ट और राइट में जा सकता है। अब सैडल के ऊपर हमारा टेबल है, वर्क पीस है, मशीन वाइस है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कोई भी पोजीशन दे सकते हैं। तो इस तरह से सैडल हमारा लेफ्ट और राइट की तरफ जा सकता है। ये है टेबल। टेबल हमारा आगे और पीछे की तरफ जा सकता है। तो ये मोशन हम 2D में नहीं दिखा सकते, तो ये क्रॉस जा सकता है इस कटर के आगे और पीछे की तरफ। इस तरह से आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकता है। और जो हमारा मशीन वाइस है ये हमारा लूज और टाइट कर सकते हैं हम इस हैंडल की हेल्प से। इस हैंडल की हेल्प से हम इस जा को मूव कर सकते हैं। इसके अंदर ये फिक्स जा होता है जो फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा, और ये मूवेबल जा होता है। जब हम इस हैंडल की हेल्प से इसको रोटेट करते हैं तो ये जो मूवेबल जा है ये मूव करता है लेफ्ट और राइट की तरफ, और किसी भी साइज का हम वर्क पीस इसके अंदर फिट कर सकते हैं। इस मशीन वाइज से हम उसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद है कटर। कटर हमारा रोटेट करता है। इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो हमारी स्पिंडल से कनेक्ट है। जो स्पिंडल को स्पीड मिलेगी वो इस कटर को देगा विद द हेल्प ऑफ आर्बर। सो हम इसकी स्पीड को, कटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर स्पिंडल की स्पीड को हम किसी भी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर रखें, तो उस हिसाब से ये कटर हमारा घूमेगा और मटेरियल को रिमूव करेगा। उसके बाद है ये योक या फिर आर्बर सपोर्ट, इसमें से कोई भी ले लीजिए, एक ही काम है इनका, आर्बर को सपोर्ट करने का। इनके अंदर बियरिंग है, हमने बात की थी, तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ जा सकते हैं और आर्बर को सपोर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये यहाँ पे दो हो सकती हैं या एक भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू मशीन की रिक्वायरमेंट हम इसे ले सकते हैं। इस योक को हम इस साइड भी लगा सकते हैं और आर्बर सपोर्ट इसी साइड रहेगा, तो हम इसको और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी, इन पार्ट्स की हेल्प से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस से हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में। इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका स्पिंडल है
वो सॉरी आर्बर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और स्पिंडल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बोला जाता है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।